नमस्ते, सिद्धांत नाम है मेरा और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। एक फिल्म है फाइनल डेस्टिनेशन, कई पार्ट में बनी है, हर पार्ट के पीछे एक कहानी है लगभग लगभग कि सब किरदारों के पीछे मौत है और सब किरदार मौत से बचने के जुगाड़ में लगे होंगे। कांग्रेस पार्टी का भी हाल यही पिक्चर वाला है। पार्ट पार्ट में कई कई राज्य से खबर आती है कि वहाँ पे सरकार मुसीबत में है, पार्टी जुगाड़ में लग जाती है। राजस्थान का झमेला शांत हुआ थोड़ा बहुत कि पंजाब में झाम फैल गया है, कांग्रेसी नेताओं में सिर्फ पुटौल शुरू हो गया है, मांग उठ गई है कि सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा दिया जाए। अब कौन और किसकी वजह से झमेला फैल गया है, इसकी वजह से सब झाम हुआ है, तो नाम जान लीजिए, एक प्रताप सिंह बाजवा, कांग्रेस से राज्यसभा सांसद। बाजवा ने कांग्रेस का गेम ओवर होने की आशंका जताई है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ को हटाने की कांग्रेस आला कमान से मांग भी की है। दावा किया है कि राज्य में कांग्रेस के 90% विधायक मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के खिलाफ है। ऐसे में आला कमान इनको पद से तुरंत हटाए, अन्यथा पंजाब में कांग्रेस का गेम ओवर हो जाएगा। मामला क्या है पूरा, अब कैप्टन अमरिंदर सिंह और बाजवा की तनातनी पुरानी है, तनातनी कहानी बाद में बताएंगे। फिलहाल फौरी तौर पर जो मामला बिगड़ा है उसके पीछे तरन तारण में जहरीली शराब से हुई 121 मौतें हैं। ये मौतें अमरिंदर सिंह की सरकार के लिए शर्मिंदगी का कारण है और विपक्ष के लिए आरोप लगाने का आधार है। अब कांग्रेस के सांसद प्रताप सिंह बाजवा खुलेआम मीडिया में सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, अमरिंदर सिंह को नीचे दिखाने कोई मौका नहीं छोड़ रहे। इनका साथ दे रहे हैं पंजाब के दूसरे राज्यसभा सांसद शमशेर सिंह दूलो, उन्होंने अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ जाकर पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनोर से मुलाकात कर ली और ईडी और सीबीआई की जांच की मांग कर डाली। इतना ही नहीं, कई ऐसे बयान दिए जिससे मामला तूल पकड़ लिया। अब एक नज़र उनके मीडिया में सुनाई दिए बयानों पर डालीजिए। बयान कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला के महाराजा नहीं हैं, उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। तरन तारण कांड पे बोला कि कुंभकर्ण 5 महीने बाद अपने घर से निकलकर तरन तारण गया। दूसरा, इनके साथ सुनील जाखड़ हैं जो कि शकुनी मामा हैं। अब इस कांड पर उनका ये बयान था जो बड़ा वायरल भी हुआ था, लोगों ने कई जगह शेयर भी किया था, और ये बयान कि पंजाब को कैप्टन मुक्त कांग्रेस की ज़रूरत है, और बयान ये कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष जाखड़ को तुरंत उनके पदों से हटाया जाना चाहिए। इसके लिए बाजवा ने आलाकमान से कहा है कि अगर आप कांग्रेस को यहाँ जिंदा रखना चाहते हैं तो लीडरशिप बदल दीजिए। अब इन सब बातों से परेशान होकर कांग्रेस सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आलाकमान को कड़ा एक्शन लेने को कहा है, और खबर है कि प्रताप सिंह बाजवा को मिली सिक्योरिटी पंजाब सरकार ने हटा दी है। इस पर बाजवा ने चिट्ठी लिखकर ट्विटर पर पोस्ट किया कि अगर उनको या उनके परिवार को कोई नुकसान होगा तो इसके जिम्मेदार चंडीगढ़ पुलिस के मुखिया संजय बेनीवाल, सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब पुलिस के डीजीपी होंगे इसके जिम्मेदार। लेकिन आज जो बाजवा और कैप्टन में झगड़ा फैला हुआ है वो पहले शायद ऐसा नहीं था, दोनों में दांत काटी दोस्ती थी। शुरुआत हुई थी 1999 से जब बाजवा को पंजाब कांग्रेस का महासचिव बनाया गया था। उस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। दोस्ती इतनी गाढ़ी थी कि जब 2002 में कांग्रेस की सरकार में अमरिंदर सिंह सीएम बने तो बाजवा को पीडब्ल्यूडी जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया। उन्हें कांग्रेस की सरकार में तीसरा सबसे बड़ा ताकतवर मंत्री माना जाता था। राजनीति ही नहीं, उनके निजी रिश्ते भी काफ़ी अच्छे थे। अमरिंदर सिंह का खानसामा जो था वो बाजवा के लिए घर पर खास दम आलू की सब्जी बनाता था, ऐसी ऐसी डिटेल्स मिलती हैं। अब दोनों ने कनाडा, यूके, दुबई और पाकिस्तान की यात्राएं साथ साथ की थी। फिर 2012 आता है जब कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में पंजाब असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस बुरी तरह हार जाती है। रिश्तों में दरार पड़नी यहीं से शुरू हुई। और 2013 में मोगा सीट पर हुए बाई इलेक्शन में खाई बन गई है दरार। बाजवा लड़े थे यहाँ पर, हार गए, और हारने के बाद बाजवा ने कांग्रेस के बुरे हाल की जिम्मेदारी कैप्टन अमरिंदर सिंह की लीडरशिप पर डाल दी। अमरिंदर सिंह के लिए ये बड़ा झटका था, उन्होंने इसपे अपनी पीठ पे छुरा भोंकने जैसा माना इस घटना को। बाजवा तत्कालीन कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी से अच्छे रिश्तों के चलते पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। ये पंजाब कांग्रेस का बाजवा युग था। 2017 में कांग्रेस फिर से असेंबली इलेक्शन जीतकर सत्ता में लौट आई। तब तक कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी सारी गोटियाँ फिट कर चुके थे, पंजाब में सीएम बने, बाजवा बिफर गए, कुछ कुछ वैसे ही जैसे गहलोत के सीएम बनने के बाद सचिन पायलट थोड़ा बहुत बिफरे थे। बहरहाल बाजवा को वादा किया गया कि उन पार्टी उन्हें राज्यसभा भेजेगी। इधर अमरिंदर सिंह ने गायक हंसराज हंस का ही नाम आगे बढ़ा दिया। लेकिन आखिर पंजाब से बाजवा और शमशेर सिंह दूलो राज्यसभा पहुंचे और इन्हीं दोनों नेताओं ने अभी कैप्टन के खिलाफ मोर्चेबंदी की हुई है। प्रताप सिंह बाजवा के मन में अब भी ये टीस रह गई है कि पार्टी ने उन्हें मेहनत का सिला सीएम बनाकर नहीं दिया। राज्यसभा जाने के बाद भी प्रताप सिंह बाजवा लगातार पंजाब में कांग्रेस की सरकार पर धूमकेतु की तरह मंडराते रहे हैं, और अब है ये बवाल सामने। इस पर ये अपडेट है हमारी ओर से
खबर लिखी है हमारे साथी अमित मिश्रा ने, मैं हूं सिद्धांत। कोई भी नई खबर, नया अपडेट आएगा हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। आप ललन टॉप को फॉलो करते रहिए। शुक्रिया। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए द ललन टॉप पर सेहत सोमवार से शुक्रवार रोज 12 बजे।